नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि लैक्टोज और लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होती है। लैक्टोज दूध, जैसे दूध होता है उसमें अगर आपने चीनी नहीं मिलाई और आपने उसे पिया तो आपको उसमें एक हल्का सा मिठास महसूस होएगा। दूध के अंदर कुदरती एक चीनी होती है, एक मिठास होता है, उसे अंग्रेजी में लैक्टोज कहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो सफ़ेद चीनी खाते हैं घर में वो चीनी और ये चीनी एक जैसी है तो वो चीनी नुकसान करती है तो ये चीनी भी नुकसान करती है, ऐसा नहीं है। ये कुदरती तौर पे दूध में चीनी आती है और आयुर्वेद के हिसाब से दूध हमारी सेहत के लिए ज़रूरी चीज़ है, तो ये चीनी हमें नुकसान नहीं करती, इसका मतलब ये है। जो दूध होता है उसका जो लिक्विड वाला हिस्सा होता है, जो तरल हिस्सा होता है, उसमें ये चीनी होती है, उसमें मिठास होती है। मतलब अगर आप दूध में नींबू निचोड़ के उसे फाड़ दोगे तो एक तरफ छीना अलग हो जाएगा, एक तरफ उसका पानी अलग हो जाएगा। छीना मतलब पनीर, तो जो सफ़ेद वाला छीना अलग हो जाता है जिसे लोग पनीर भी कहते हैं, उसके अलावा जो पानी बचता है उस पानी वाले हिस्से में ये लैक्टोज होती है। तो मतलब अगर आप पूरे दूध को देखो तो उसमें जो पानी वाला हिस्सा है, जो कि सफ़ेद हिस्से की तरह ठोस हिस्सा नहीं है, जो कि छीना ठोस होता है, वो हाथ में ठोस होता है, वो हिस्सा नहीं है, उसमें लैक्टोज होती है। अच्छा, लैक्टोज इनटॉलरेंस क्या होती है? हमारे शरीर में लैक्टोज को पचाने के लिए विज्ञान के हिसाब से एक एंजाइम चाहिए, लैक्टेज नाम का। तो अगर वो नहीं होता तो हमारे शरीर में लैक्टोज जो ये मिठास है पचती नहीं, हमारे शरीर में चीनी पचती नहीं है। तो अगर आप आयुर्वेद के हिसाब से देखो तो अगर आप बचपन से दूध पीते हो, पीते पीते आपके शरीर को दूध की आदत है, दूध को बचाने की आदत है, आपकी आंतों को दूध बचाने की आदत है, आप काफ़ी टाइम तक दूध नहीं पियो, कई सालों तक दूध नहीं पिया, या हो सकता है काफ़ी लंबे महीनों तक दूध नहीं पिया, तो हो सकता है आपके शरीर को दूध बचाने की आदत छूट जाए, तो फिर आप एकदम से दूध पियो, एक गिलास दूध पी लिया तो हो सकता है बचे नहीं। तो जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, जो कि लैक्टोज टॉलरेट नहीं कर पाते, लैक्टोज मतलब उनके शरीर पचा नहीं पाता, तो उनको क्या होता है, उनको दूध पीने से गैस हो जाएगी, पेट फूल जाएगा, पेट भारी भारी महसूस होगा, दस्ते लगने लग जाएगी, पेट में दर्द होने लग जाएगा, ऐसे। तो दूध आयुर्वेद के हिसाब से दूध पचने का जो चिन्ह है वो ये है कि दूध पीते ही दूध पेट में जाके फट जाए। जैसे आप दूध में नींबू निचोड़ोगे या दही डालोगे तो वो फट जाएगा, छीना अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा, वैसे ही दूध पीने दूध पचने का आपके शरीर में चिन्ह ये है कि आप दूध पिए और वो पेट में जाके फट जाए। दूध आपको पच नहीं रहा है, लैक्टोज आपको पच नहीं रही और आप दूध पीते जा रहे हो तो आपको नुकसान कर सकता है, क्योंकि अभी वो पेट में जा रही है, पच नहीं रहा, कुछ खा रहे हो आपको पच नहीं रहा तो आपको नुकसान कर सकता है। तो इसका इलाज क्या है? देखो, साइंस के पास में, विज्ञान के पास में इसका कोई इलाज नहीं है। आयुर्वेद का कुछ ऐसा कहना है कि अगर आपने बहुत टाइम तक दूध पीना छोड़ दिया तो आप एकदम से दूध चालू कर रहे हो तो पहले दिन 4 चम्मच पियो, अगले दिन 8 चम्मच पियो, फिर अगले दिन 12 चम्मच पियो, ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ाओ, फिर थोड़े दिन में आधा कप पियो, फिर थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाओ। दूध एक आयुर्वेद ये कहता है कि दूध में थोड़ी सी चीनी मिला करके दूध पियो तो दूध पेट में जाके फटता है, चीनी मिलाई होती है। तो दूध पचने में अगर भारी होता है तो दूध को उबालने से पहले उसमें पानी डाल लो, थोड़ा कच्चा पानी, और फिर उसे उतनी देर उबालो जितनी देर में वो पानी जल जाए, तो वो दूध पचने में हल्का हो जाता है। और फिर कुछ आयुर्वेद के चूर्ण वगैरह आते हैं जो आप दूध पीने से 10 15 20 मिनट पहले पी लो भिगो करके, तो फिर उसके बाद दूध पियोगे तो दूध पच जाएगा। ये सारी चीज़ें आयुर्वेद की है। आयुर्वेद अपने आप में काफ़ी गहरा है। नित्यानंदम श्री एक चैनल है यूट्यूब पे, आपको अगर आयुर्वेद में आपको कोई भी शरीर में तकलीफ वगैरह है, आप आयुर्वेद के उसके इलाज देखना चाह रहे हो तो उस चैनल पर जाके देख सकते हैं। मेरा इस चैनल से कोई मतलब, इस चैनल के मालिक जो नित्यानंदम श्री जी है वो मेरे को जानते नहीं है, ये तो मेरे को इंटरनेट पे सबसे ठीक आयुर्वेद का ज्ञान देने वाले यही लगे, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ। आप लोगों को कोई दिक्कत होगी तो यहाँ जाके देख सकते हो, काफ़ी ठीक मिलता है, और मेरे को एक लौता यही कोई अच्छी खासी ढंग की जगह यही मिली होगी, आप ऐसा कह सकते हो। यूट्यूब पे तो कम से कम नित्यानंदम श्री नाम है चैनल का। फिर क्या है कि जिसको दूध नहीं पचता ना, वो क्या है, दही छाछ जो आप दूध फाड़ते हो तो जो छीना अलग हो गया और वो जो पानी अलग हो गया, वो जो पानी है वो ये चीज़ें उनको पचती है। दही पच जाएगा अगर आपको दूध नहीं पचता तो, छाछ पच जाएगी, वो जो छीने का पानी अलग हो गया वो पच जाएगा।
कारण क्या है कि दही के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे हमारे शरीर के अंदर, हमारी आंतों के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, अरबों खरबों इतने बैक्टीरिया होते हैं, वो दही के अंदर भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दही जिंदा है, दही नॉनवेज है, ऐसा मतलब नहीं है कि दही मांस हो गया या दही जिंदा चीज़ खा रहे हैं हम, ऐसी बात नहीं है। तो दही के अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो लैक्टोज होती है ना, उस लैक्टोज को तोड़ देते हैं, वो उस लैक्टोज को पचा देते हैं, तो आपको दही पच जाएगा। तो जिनको आमतौर पे लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, जो दूध नहीं पचा पाते, जिनको लैक्टोज नहीं पचती, वो दही खा लेते हैं, छाछ पी सकते हैं, छीने का जो पानी निकलता है वो पी सकते हैं। तो ये है लैक्टोज और लैक्टोज इंटॉलरेंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हो। तुम अगली वीडियो मिलूंगा।